गैंग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस आज मैं आप लोगों को सीओ सी के अटैक्स दिखाने लगा हूं। तो पहली हर में हमारी है हॉग्स हीलर्स विज गते गोब्लिन एंड जाइंस। तो अब हम शुरू करते हैं अपना अटैक। तो आपने कुछ इस तरह से करना है, तो आपने ना सीसी क्लियर करने का कोई टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले हमें जाइंस भेजने हैं और जाइंस के पीछे कुछ हीलर्स लगा देनी है जो कि जाइंस को कम से कम हील करी जाए ना, जैसे उनका डैमेज पड़े। और फिर थोड़े से विज भेज देना भाई। सारी एक आर्मी ना इकट्ठे ना छोड़ना यार, ऐसे बहुत वेयर्स हो जाते हैं, सारा भर जाता है भाई, सीन आपको समझ नहीं आएगा। तो अपने एक एक करके भेजना, जैसे बॉर टूटेगी भाई तब थोड़ी सी आर्मी छोड़नी है। और फिर थोड़ा सा आगे जाना, तो आपने ना बस इतना वेट, आपने इलेक्ट्रो ड्रैगन अगर कोई निकलेगा अंदर से तो उस पर पॉइजन वगैरह छोड़ के ना आपने अपने आर्चर किंग को जाने देना कि उसको डिस्ट्रॉय कर दे ये जो इलेक्ट्रो ड्रैगन है। तो जब ये डिस्ट्रॉय होगा उसके बाद अपनी फर्दर आर्मी भी पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी टाउन ऑन लाइन का पेस। तो ये 3-स्टार अटैक है भाई, ज़रूर देखना, बहुत मस्त अटैक है। आगे देखी जो क्या अटैक किया हमने। बस गाइस आपने इतना ध्यान रखना कि आपके जो जाइंट्स हैं वो बचे रहें जब तक सारे डिफेंसेस नहीं डिस्ट्रॉय हो गए। अगर आपके जाइंट्स शुरू में मर गए ना हो गाइस तो बहुत प्रॉब्लम होनी है आपको अटैक में। फिर भाई मेरा 3-स्टार नहीं होगा अगर मैं ऐसे मर गए तो। अब देखना भाई 3-स्टार हो जाएगा, लूट भी बहुत सही मिल रही है, इसलिए भाई जाइंट्स को एकदम संभाल कर रखना। फिर हॉक्स छोड़ना थोड़ी देर बाद जो, ताकि जो हॉक्स हैं वो भी डिफेंसेस डिस्ट्रॉय कर दें। तो जैसे डिफेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे फिर आपको पता ही है 100% हो ही जाएगा आराम से। तो गाइस कभी भी ये ध्यान रखना कि कभी भी हॉग्स और जाइंट्स इकट्ठे मत छोड़ देना। जाइंट्स को हाफ वेज डिस्ट्रॉय करना है 50% है, तो जब 50% डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके बाद हॉग्स भेजने हैं भाई। अगर आप पहले भेज दो तो सारा काम खराब हो जाना है यार। फिर उसको कर दें और हॉग्स को जिंदा रखने के लिए गाइस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है हील स्पेल। बस वो हील स्पेल ना आपने बस हॉग्स को जिंदा रखना उन चीज़ों से, क्योंकि अगर आप जाइंट्स के साथ हॉग्स छोड़ गए भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, उसका नुकसान ज़्यादा होता है यार। और हॉक्स को ना थोड़ी देर बाद छोड़ना, तो थोड़ा जाइंस ना हाफ डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दें, उसके बाद फिर आपका 100% हो जाएगा। देखो जैसे मेरा 100% हो गया गाइस। तो ये जो जाइंट बॉम्ब होता है भाई, इससे बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्शन होती है अपने ट्रूप्स की, तो बस इसका भी ध्यान रखना, ये ना कहीं आ जाए रस्ते में। तो गाइस अब हमारा आ गया सेकेंड अटैक। गाइस ये मेरा फेवरेट अटैक है, इसमें आपको दो लावा लेके जाने हैं, एक गोलम, 7 मिनियंस, 3 और 16 लूंस और 4 बॉल बेकर। सबसे पहले आपको गोलम छोड़ना है, फिर भाई लूंस मत छोड़ना है यार, लूंस थोड़ा एयर डिफेंसिस को ना डिस्ट्रॉय होने पर छोड़ना। और ये ध्यान रखना कि स्पेस में आपने एक जंप, एक रेज, एक पॉइजन और 4 हिट और एक मैक्स पॉइजन लेके जाना है सीसी में। तो अब आगे अटैक देखो गाइस, कभी भी ना लूंस पहले मत छोड़ना है, क्योंकि लूंस एयर डिफेंसिस ने आराम से डिस्ट्रॉय कर देने हैं। तो स्लोली स्लोली छोड़ना, पीछे से फिर वो आएंगे ना लावा, उन्होंने एयर डिफेंसिस डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर सीसी में आप कुछ भी लगे जा सकते, बॉलर, ड्रैगन, इलेक्ट्रो ड्रैगन, एनीथिंग गाइस। क्योंकि लावा अटैक आपको पता है, एयर अटैक भी है, लैंड भी है हमारे पास गोलम्स, तो आप दोनों तरह से कोई भी लगे जा सकते। अब जैसे ही मेरे एयर डिफेंसिस दो डिस्ट्रॉय होंगे, मैं दूसरी तरफ से लावा छोड़ूंगा और लावा बाकी एयर डिफेंसिस को डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर लूज भी आ जाएंगे, लूज सारी डिस्ट्रक्शन कर देंगे। इसी तरह से ये अटैक भी 100% कर देंगे गाइस। थोड़े से अगर ग्राफिक खराब आ रहे हैं गाइस, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। इस बार मुझे कुछ पता नहीं था ग्राफिक का, तो थोड़ा सा खराब हो गया। करो गाइस माइनक्राफ्ट की वीडियो भी आएगी शायद, अगर बन गई तो, नहीं तो आज ये सी ओ सी की आएगी। अगर बन गई तो भाई गाइस वो भी आएगी, माइनक्राफ्ट की भी आएगी, ज़रूर आएगी शायद। तो गाइस आपने ये ध्यान रखना कि लावा से जो दो एयर डिफेंस है वो टूट जाएंगे, ही आपने हेज छोड़ के लावा को थोड़ी स्पीड देने ताकि वो जल्दी से जाए, बस एयर डिफेंस टूट के भाई फिर तो 100% अटैक हो ही जाएगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब क्योंकि एयर डिफेंस भी आराम से टूट गए हैं तो कोई टेंशन नहीं हुई, तो अब सारा 100% कर लेंगे जल्दी से। एक क्वीन यार थोड़ा सा पंगा डाल दिया, क्वीन को मैंने मेरा डिस्ट्रॉय नहीं किया यार, बहुत नुकसान किया था इस क्वीन ने। चलो कोई ना, फिर भी हमारा 100% तो हो ही गया था अटैक। तो इसी के साथ गाइस हमारा ये अटैक भी 100% हो गया। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड स्ट्रेटजी की तरफ, तो अभी ये भी 100% हो गया।
अब थर्ड स्ट्रेटजी आती है। तो इसमें हमारे पास होंगे 3 गोलम, 2 पैका, 16 विजार्ड, 6 वॉल ब्रेकर और बाकी आर्चर और बारबेर में जो मर्जी ले सकते हैं। और गाइस सीसी में मैं हमेशा अपने बोलर सकता हूँ, मेरे को फेवरेट बोलर होते हैं। तो हम अपने सबसे पहले यहाँ पर थोड़े से अर्थक्वेक से तोड़ना है, यहाँ पर थोड़ी डिस्ट्रक्शन करनी है। तो अब हम अपने अटैक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले 3 गोलम छोड़े, फिर विज छोड़े, फिर जब ये विज पीछे वाले चीज़ों को तोड़ेंगे, जैसे पीछे वाले पीछे वाली चीज़ तोड़ेंगे, हम अपने हीरोज़ को भी छोड़ देंगे वॉल पेपर यूज़ करके। तो अब हम अपने हीरोज़ को छोड़ते हैं, बॉलर्स को भी छोड़ देते हैं जल्दी से। तो भाई पैका को भी छोड़ दिया, पैका बहुत डिस्ट्रक्शन करते हैं भाई पूरा बेस। तो भाई पैका भी तोड़ देंगे अगर मैक्स हुए तो। इवन भाई आप सीसी में मैक्स पर जब मैक्स पैका भी लेके जा सकते हो यार, कोई ज़रूरी नहीं भाई बॉलर्स का। बॉलर भाई मेरी फेवरेट है यार, 9 पे वो अटैक बहुत मस्त करते हैं यार वैसे। तो गाइस मुझे अपनी अटैक स्ट्रेटजी भी बता देना, जो जिन्होंने मुझे अभी नहीं बताई तो अपने कमेंट सेक्शन में लिख देना। मेरे मैं 10 PHP का अटैक स्ट्रेटजी बता सकता हूँ अगर आप लिख दोगे तो। अभी तो मैंने 9 पे बताई है, बता देना भाई किस किस पे लिखूँ मैं। 8, 6, 5, 4, 1 भाई हर चीज़ पर लिख दूंगा मैं अटैक स्ट्रेटजी। तो अब मैंने यहाँ पर सारा डिस्ट्रक्शन हो गया, सारा वेस्ट टूट ही जाना गाइस आराम से। पैका बचे हैं तो पैका तो भाई तोड़ देंगे, ऊपर से हमारे पास फ्रीज भी है अभी, और फ्री से हम बॉलर्स को पहले स्टेल भी कर सकते थे पर मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पर बेरन की मैंने पावर स्टार्ट कर दी थी। तो अब जल्दी से ये पूरा बेस टूटने देते हैं और फिर वीडियो भी एंड हो जाएगी गाइस। थोड़ी छोटी छोटी वीडियो थी यार क्योंकि गाइस इसमें सिर्फ हमने अटैक्स किए यार और कुछ नहीं किया ज़्यादा ज़्यादा। तो आप और कोई बता देना अगर आपको स्टडी चाहिए 9 पे तो मैं वो भी दे दूँगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो गाइस मैं क्योंकि मेरा एक जो सब्सक्राइबर था वो बहुत पैसे कर रहा था गाइस, मुझे COC की वीडियो चाहिए, मुझे COC की वीडियो चाहिए, तो मैंने उसको COC की वीडियो दे दी गाइस। तो आप मुझे अपनी IDC बता सकते हो, मेरे क्लैन में भी आ सकते हो, मस्त क्लैन है वैसे 12 लेवल का, 6 लेवल में भी ले ही लेंगे अगर आ जाओगे तो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना जिन्होंने मेरे क्लैन में आना है, मुझे अपनी IDC बता देना। चलते हैं, गुड बाय। Like a Hellcat.